वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के बहुत ही फेमस माउंटेन जिसका नाम है माउंट फ्यूजी, जो लोकेटेड है वन ऑफ द फोर आइलैंड ऑफ जापान होनशू पर। बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग अवर न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माउंट फ्यूजी जो है वो इनका आइडेंटिफिकेशन है। जो माउंट फ्यूजी है ये बहुत ही सेक्रेट माउंटेन है इनका, लोग इसकी पूजा करते हैं। जो ये माउंट फ्यूजी है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस पूरी वीडियो में आपको इमेज दिखाई जाएगी सो दैट यू विल बी एबल टू कैच इट इन अ मोर बेटर मैनर। सो जो माउंट फ्यूजी है इसके टॉप पे एक श्राइन लोकेटेड है, एक टेम्पल लोकेटेड है, एक मंदिर है और लोग जाके उसमें पूजा करते हैं। समर के मंथ में ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ जापानीज जाते हैं विजिट करने उसको। अब आप कहेंगे एक वॉल्केनिक माउंटेन के टॉप पे, और वो भी वो जो एक एक्टिव वॉल्केनो है। जी हाँ, माउंट फ्यूजी जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। जापानीज समर के मंथ में थाउजेंड्स नंबर में जाते हैं टॉप पे श्राइन की पूजा करने। अब आप कहेंगे एक वॉल्केनिक टॉप पे क्या कारण है कि इन्होंने ये बना रखा है मंदिर? मंदिर इसलिए बनाया है जिससे कि जो ये वॉल्केनो है ये दोबारा इरप्ट ना हो। जियोलॉजिस्ट अभी भी इसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। लास्ट टाइम जब ये इरप्ट हुआ था इट वॉज 1707 एंड आफ्टरवर्ड्स ये डॉर्मेंट ही है, बट स्टिल जियोलॉजिस्ट इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ एक्टिव वॉल्केनो। माउंट फ्यूजी के टॉप पे जो वेदर है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा वहां पे सनराइज देखूंगा, जो बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अट्रैक्ट करता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये आप इमेज में देख रहे होंगे, तो जो माउंट फ्यूजी है अगर इसका वेदर जो है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आप देखेंगे सनराइज, तो आपको एक्सट्रीम कोल्ड के लिए भी प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, क्योंकि कब कौन सा वेदर आ जाए नोबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि इसमें आप बादलों के भी ऊपर होते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, आप माउंट फ्यूजी के टॉप पर जो होते हैं, जो कोनिकल टॉप है और ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है माउंट फ्यूजी, जब आप इसके ऊपर होते हैं तो आप बादलों के भी ऊपर होते हैं माउंट फ्यूजी में। और इसका जो टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशन है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, जो बहुत ही दुख की बात है। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है अबाउट माउंट फ्यूजी, वो ये है कि आपको यहाँ पर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। आप सोचेंगे कि बहुत ही खूबसूरत वॉल्केनिक माउंटेन है तो इस पर पेड़ पौधे भी होंगे, बट लाइक द माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज और इन इंडियन व्हाट वी सी दैट माउंटेन पे हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ देखने को मिलते हैं पाइन कोनिकल शेप के, बट वहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये वॉल्केनिक ऑरिजिन का है। आपको इग्नियस रॉक, बसाल्टिक रॉक पे आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे एंड दैट इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर, वहां पे आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। एक और बात जो माउंट फ्यूजी की ब्यूटी को और इन्हेंस करता है वो ये है कि माउंट फ्यूजी जो है ये बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल और भी खूबसूरत तब लगता है जब इसके आसपास के जितने भी लैंड हैं वो सब फ्लैट हैं। उसमें माउंट फ्यूजी एकदम कोनिकल शेप का, बहुत ही सिमेट्रिकल और ऊपर कोनिकल टॉप, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है ऑफ जापान, इट हैज अ हाइट ऑफ 3776 मीटर्स। जो माउंट फ्यूजी है ये जापान की कैपिटल टोक्यो से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट पर है, पर फिर भी ऑन अ क्लियर डे जब मौसम बिल्कुल साफ रहेगा तो आपको 100 किलोमीटर दूर से भी माउंट फ्यूजी दिख जाएगा। वंस माउंट फ्यूजी जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो हुआ करता था, इससे वॉल्केनिक लावा बाहर आते थे, पर अभी ये साल के 5 महीने बर्फ से ढका हुआ होता है एंड दैट इज ऑल्सो विच अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ टूरिस्ट। आप खुद सोचिए, कॉनिकल शेप का बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल फ्लैट लैंड पे बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है जिसकी हाइट मोर देन 3700 मीटर्स है, और वो 5 महीने बर्फ ढका होता है और लोग उसकी पूजा करते हैं, और उसके टॉप पे एक मंदिर है, कितना ब्यूटीफुल व्यू होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इसके टॉप पे जो टेम्पल है वो इसलिए कंस्ट्रक्ट की गई है जिससे कि वॉल्केनो को दोबारा आने से रोका जा सके, लोग उसकी पूजा करेंगे तो मे बी वो नेक्स्ट टाइम वॉल्केनिक इरप्शन ना हो, इसलिए वो टेम्पल वहां पे कंस्ट्रक्ट की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए।